ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं। हिरण्यकश्यप का शरीर सब कीड़ा मकोड़ों डांसों ने सब उनका मांस खा लिया, हड्डी हड्डी में रह करके और तपस्या कर रहा। ब्रह्मा जी ने आकर के उनके शरीर को सही किया और तेष्ट भद्रम ते तपसे दो काश्यपम बरदो अह मनो प्राप्तो प्रियतामी सप्तो वर। ब्रह्मा जी ने कहा उठो हे कश्यप नंदन, उठो आप अपना वरदान मांगो, क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी को देखा और हिरण्यकश्यप ने उनको प्रणाम किया, कहा ब्रह्मदेव आप मुझे अमर बना दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दैतेन्द्र जब मैं ही अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूं, अमरता को छोड़ करके कोई और वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा तो आप तब तक मैं वरदान पूरे ना हो जाए तब तक आप कहीं जाए ना, मेरे वरदान पूरे देकर के तब जाए। हिरण्यकश्यप ने कहा हे ब्रह्मदेव मैं वरदान मांगता हूं कि आपकी सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सके, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर मरूं ना बाहर मरूं, मैं 12 महीनों में नहीं मरूं। उन्होंने वरदान मांगे ना दिन में ना रात में ना घर ना बाहर ना धरती पे ना आकाश में, ब्रह्मा की सृष्टि में जो ब्रह्मा जी ने रचा है उनके हाथ से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके उन्हें वरदान दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगे ब्रह्मदेव अगर मुझे पहले ही आप अमरता का वरदान दे देते थे तो क्या हो जाता, अब मैं जब तुम्हारी सृष्टि में मुझे कोई नहीं मारे, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं ना घर में मरूं ना बाहर मरूं ना नीचे मरूं धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं, 12 महीनों में नहीं मरने वाला दिन में रात में, तो मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा जो आपने मांगा मैंने दे दिया। हिरण्यकश्यप तपस्या करके जब अपने नगर में आता है तो नगर को विध्वंस पाता है, उनके सैनिक सेनापति इधर उधर भाग गए थे इंद्र के भय से, वो सब आए। हिरण्यकश्यप ने कहा ये क्या हुआ, कहा महाराज ये इंद्र ने सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, विश्वकर्मा को बुला करके अपने महल नगरी का सबका निर्माण करवाया और कहा मेरी कयादू कहाँ है। तब सेनापति ने कहा उसे इंद्र ले गया है, इंद्र के पास हिरण्यकश्यप जाता है, सभी देवताओं को बंदी बनाता है, इंद्रलोक में अपना शासन जमाता है और कहा हे देवताओं मेरी पत्नी कयादू कहाँ है। तब इंद्र ने कहा कयादू को तो देवर्षि नारद के आश्रम में है, वो ले गए। जब मैं उनको लेकर के आया तो नारद जी ने आकर के मुझसे कहा ये आप गलत काम कर रहे हो, अब कयादू से कहा है कि देवी आप जाएं। तब कयादू ने कहा कि मैं कहां जाऊं, मेरे नगर को भवनों को सबको तो इंद्र ने नष्ट कर दिया। तब देवर्षि नारद ने कहा हे बेटी आप मेरी बेटी हैं, बेटी जैसी हैं, अगर कोई आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरे आश्रम में रह सकती हैं। तो देवर्षि नारद कयादू को ले गए,
देवर्षि नारद के आश्रम में हिरण्यकश्यप जाते हैं। वहां सुंदर पुत्र को जन्म दिया कयाधु ने आश्रम में। स्वयं लक्ष्मी पुत्र के जन्म पर आई। देवर्षि नारद ने कहा, माता मेरी बेटी के बालक होने वाला है और जो प्रसव का समय है उनके पास कोई स्त्री जरूर चाहिए, मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं तो सन्यासी हूं। इसलिए नारद जी ने लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी ने आकर के कयाधु के साथ यहाँ आकर के प्रसव कराया, पुत्र को नहला धोवा करके उसके संस्कार किए। जब पुत्र का जन्म होता है तब उसको अच्छे पवित्र जल से स्नान करा करके उसकी जिह्वा पर सेंत लेकर के सलाई में ओम अक्षर लिखा जाता है, बुद्धि का विकास होता है। मैंने सुना है कि कुछ पहले तो बच्चे के मुंह में गंदा पानी डाल देते थे ताकि मति भ्रष्ट हो जाए। जब अपने ही मति भ्रष्ट करेंगे तो बच्चे में क्या रखा है, कुछ नहीं। फिर कहेंगे कि जो पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, इसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। जब बुद्धि को भ्रष्ट ही कर देंगे, पहले ही आते ही भ्रष्ट किया जाए तो फिर बुद्धि विकसित कहां से होगी। लक्ष्मी माँ ने सेंत लेकर के जिह्वा पर सलाई से, मोर पंख की सलाई से ओम अक्षर लिखा ताकि सरस्वती का भाषा हो और बुद्धि बहुत प्रखर हो। बच्चे का जन्म नारद जी ने उसे पढ़ाया लिखाया, सब ज्ञान कराया। देवर्षि नारद जी की शिक्षा पाकर के संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको उद्धार ना हो, जिसको भगवान के दर्शन ना हो। हिरण्यकश्यप ने देखा, कयाधु से मिले, पुत्र से मिले, बहुत सुख पाया। कयाधु से कहा, हिरण्यकश्यप ने, देवी अब आप अपने महल चल सकती हैं, तुम्हारी इच्छा हो वो बताएं। कयाधु ने कहा, महाराज देवर्षि ने मेरा इतना ख्याल रखा है, कोई भी पिता अपनी पुत्री का ख्याल नहीं रख सकता। अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़े समय और यहाँ रुकना चाहती हूँ ताकि मेरा पुत्र और अच्छी शिक्षा संस्कार ले सके देवर्षि नारद से। हिरण्यकश्यप उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, अपने राज्य शासन को जमाते हैं और वरदान पा करके वो इतना अत्याचार फैलाया कि अब संसार में मैं विष्णु के भक्तों को नहीं छोड़ूंगा, मेरा साम्राज्य रहेगा, मेरी पूजा होगी, सब कुछ मेरी आज्ञा के अनुकूल होगा। और भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु अब मैं तेरे वैकुंठ पर आकर के आक्रमण करूंगा और तूने मेरे भाई का वध किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा संसार में उसने साम्राज्य, अधर्म का साम्राज्य फैलाया। वहां प्रहलाद प्रहलाद वहां आश्रम में खेलता था। श्री नारद वाचयम् युक्तालोक गुरुणाम ताम प्रणाम्य दिवोकसय निरंतरवंतंत गोगतो द्वेगा मेनिरे चासुरं मतम। प्रहलाद बालक था, खिलौनों से नहीं खेलता, वो तो शालिग्राम की मूर्ति से उन्हें नहाता, स्नान कराता, तिलक लगाता, सजाता, सदा उसी से खेलते रहते थे। और उन्हीं के सामने भगवान का नाम लेकर के और प्रहलाद नृत्य किया करते थे। कुछ समय हुआ, हिरण्यकश्यप ने मंत्री को भेज करके प्रहलाद को, कयाधु को वहां से बुलाया, मंत्री लेने के लिए गया।
कायादु ने कहा, देवर्षि अब हम अपने राज्य को जाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, बेटी बाप के यहाँ बेटी कब तक रह सकती है? आखिरकार बेटी को तो विदा ही करना पड़ता है, परंतु दुर्भाग्य देखो बेटी, मैं सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। कयादु ने कहा, देवर्षि आपने इतना ज्ञान दिया, इतना प्रेम दिया, इसके सामने संसार का कोई भी धन कुछ नहीं होता। संसार में सब कुछ प्रेम ही है। मेरे पुत्र को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, आपका एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते। नारद जी ने कहा, पुत्र प्रहलाद, संसार में कैसी भी विपत्ति आए, अपने मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना जो धर्म का मार्ग है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म की परीक्षा, अपनों की परीक्षा तो विपत्ति के समय पर ही होती है, कहा गया है। धीरज धर्म मित्र यारु नारी, धीरज धर्म मित्र यारु नारी, धीरज धर्म मित्र यारु नारी। आपत काल आपत काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र यारु नारी, धीरज धर्म मित्र यारु। अपने धीरज, अपने धैर्य की, धर्म की और मित्र की और स्त्री की, आपत्ति काल में परीक्षा होती है। अगर ये आपत्ति काल में संग देवे तो अपने हैं, अगर आपत्ति में संग नहीं दिया तो ये अपने नहीं। इसलिए हे पुत्र जाओ, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, अपने मार्ग को मत ही छोड़ना, भटकना मत। देवर्षि ने विदा किया, प्रहलाद कयादु जाते हैं, महल में आते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गोद में लेकर के बहुत लाड़ प्यार किया और कहा, अब संध्या के समय मिलेंगे, अब मैं राज्यसभा के लिए जाता हूं। संध्या के समय आया, पुत्र को गोद में लिया, बहुत सुंदर पुत्र था, और कहा, हे पुत्र वहां देवर्षि ने तुम्हें क्या क्या सिखाया, अच्छा लगा? हाँ पिताजी, अब बहुत अच्छा लगा, सब कुछ सिखाया। पिता महान होता है, माता महान होती है, बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने धर्म पर रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गोद में बैठा करके सब पूछने लगे, तब उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हें क्या अच्छा लगता है, वो सब मुझसे कहो, मैं मंगा दूंगा। प्रहलाद वाचयं तत साधु मन्ने सुरवर्य देहे नाम सदा समुदगन ध्याम सदग्रह आतः। कहा, आप मंगा दोगे? हाँ। प्रहलाद ने कहा, अशरोक्तम पिता, सदा उद्विग्न बुद्ध वाले शरीरधारियों के आत्मा का नाश करने वाला, नरक में डालने वाला अंधकूप रूप ग्रह है, उसको तज मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहता हूं। ये संसार तो नरक में डालने वाला है और भगवान की शरण में रहना चाहता हूं। साधु और अतीत उत्तम है श्री नारद जी की जो शिक्षा थी, उसे सुनकर के, प्रहलाद की बात को सुनकर के हिरण्यकश्यप बहुत हंसे। ये अभी बच्चा है, ये अभी छोटा है, ये कुछ जानता नहीं है अभी, ये अभी तो मेरे शत्रु की ओर में जा रहा है,
कहीं ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि सदा के लिए मेरे शत्रु की पक्ष में हो जाए। गुरु को बुलाया और कहा, हे गुरुदेव, आप जाओ और इसे अच्छी शिक्षा दो। गुरु आश्रम में पढ़ाते थे, उनके सामने तो पढ़ लेता परंतु उसमें मन नहीं लगता। बाद में वो अपना जो उसके ध्यान में है, जो नारद जी की शिक्षा है, उसी का गुणगान करता था। पढ़कर के एक दिन आए प्रहलाद ने, जैसे प्रहलाद को देखा हिरण्यकश्यप ने गोद में उठा करके फिर कहा, हे पुत्र, अब तो तुमने अच्छी शिक्षा ग्रहण की। हाँ, मैं अब तो पढ़ गया, तो अब सुनाओ। प्रहलाद गोद में बैठ करके फिर हिरण्यकश्यप को सुनाने लगा, पिताजी सुनाओ। हाँ, प्रहलाद वाचयम् श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुमरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासयम सात्मनिवेदनम। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की गोद में बैठ करके नवदा भक्ति का वर्णन किया। कहा, नारायण की कथा सुने, विष्णु का नाम लें, भगवान का सुमरण करें, जनार्दन की सेवा करें, पूजन करें और चक्र पाणी का अर्चन करें, परमेश्वर की वंदना करें और वृंदावन बिहारी का दास बने, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कन से सुहद भाव माने, अपने को श्री विश्वनाथ विश्वंभर के भेंट कर दें, भगवान को अर्पण कर दें। जैसे ही नवदा भक्तियों को सुना, हिरण्यकश्यप क्रोध में आया, प्रहलाद को गोद से फेंक दिया और कहा, हे दुष्ट, क्या तूने यही पढ़ा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर तू संभला नहीं, मेरे शत्रु के पक्ष में जाता है। संसार में मैं भगवान हूं, मेरे सिवा कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद ने कहा, मेरा तो वही ईश्वर है, मैं और किसी को मानने वाला नहीं। आप मेरे पिता हैं, पूज्य हैं, परंतु भगवान नहीं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के कहा, सैनिकों, इसे मार डालो। सैनिकों ने अस्त्रों का प्रयोग किया परंतु प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शस्त्रों का प्रयोग किया, प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संड अमरक को बुलाया और कहा, तुमने यही शिक्षा दी? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमने इसको ये नहीं पढ़ाया, हमने तो सही बात पढ़ाई थी परंतु ये मानता ही नहीं। कहा, इसे ले जाओ और अच्छी शिक्षा दो, अगर फिर भी नहीं यशोधरा तो आपकी भी खैर नहीं। सैन्य अमरक ने कहा, महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। उसे आश्रम में ले गए। आश्रम में ले जाकर के कहा, प्रहलाद, तू हमारे जीवन को संकट में क्यों डालता? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मैं किसी के जीवन को संकट में नहीं डालता, तो फिर तू हमारे भगवान को क्यों नहीं मानता? हिरण्यकश्यप हमारे भगवान है। प्रहलाद ने कहा, भगवान कैसा होता है? भगवान तो सर्वत्र होता है। हाँ, भगवान शक्तिशाली होता है। हाँ, सब कुछ कर सकता है। हाँ, प्रहलाद ने एक वृक्ष से डाली तोड़ करके लाई और कहा, इस डाली को तुम्हारा भगवान लगा दे, मैं मान जाऊंगा। सबने प्रार्थना करी हिरण्यकश्यप की, वो हिरण्यकश्यप को भगवान मानते थे। डाली मुरझा गई। बालकों ने कहा, गुरुकुल में जितने बच्चे थे उन्होंने कहा, प्रहलाद, अगर ये तुम्हारा भगवान अगर इसे लगा देता है तो हम हिरण्यकश्यप को छोड़कर के तुम्हारे भगवान को मानेंगे। प्रहलाद ने कहा, जरूर,
मुझे विश्वास है। डाली को हाथ में लेकर के भगवान से कहा, प्रभु ये आपकी मान्यता का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे विश्वास का सवाल है। उन्होंने भगवान की स्तुति करी, भगवान का गुण गाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पेड़ से जुड़ गई। बच्चों ने कहा, प्रहलाद आज से तेरा भगवान हमारा भगवान, तुम्हारा भगवान शक्तिशाली है। गुरुओं ने कहा, अरे बालको तुम भी मारे जाओगे और हमें भी मरवाओगे। प्रहलाद नहीं मानता। गुरुओं ने प्रहलाद को जंगल में ले गए, कहा प्रहलाद चलो हमारे साथ, तुम्हें जंगल घुमा लाए, वहां कहा तुम यही रुको, हम अभी आते हैं। उन्होंने आवाज दी, वहां एक भयानक हाथी था, तो आया, जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए आया, प्रहलाद के सामने आते ही उसने परिक्रमा की और दंडवत करके सर झुका करके चला गया। सन्न अमरक ने सोचा कि हाथी इसकी परिक्रमा करके गया, वो तो बड़ा भयानक है, देखते ही मनुष्य को मार डालता है। आश्रम में आकर के उन्होंने एक कृत्य प्रकट की, प्रहलाद को मारने के लिए, परंतु कृत्य ने संडे अमरक गुरुओं को ही मार दिया, प्रहलाद को न मार सके। शुक्राचार्य आए, उन्होंने कहा प्रहलाद तूने मेरे पुत्रों को मरवा दिया, अरे तुझे मरना चाहिए था, तेरी जगह पर मेरे पुत्र मर गए,
प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव इसमें मेरा क्या दोष है? उन्होंने मुझे मारने के लिए कृत्य प्रकट करी और कृत्य मुझे तो नहीं मार पाई, भगवान की कृपा है, अब उनको मार दिया तो विश्वास मैं क्या करूं? बोले गए गोविंदा नाम। शुक्राचार्य ने कहा, नहीं तुझे मरना चाहिए, तू गुरु का हत्यारा है। भगवान से प्रार्थना की, संड अमरक को दोनों को जिंदा करवाया। शुक्राचार्य ने कहा, हे पत्रो मेरे पास आओ। संड अमरक ने कहा, नहीं ये जीवन तो अब प्रहलाद का है, प्रहलाद ने हमको जिंदा किया, हमारे कर्मों से तुम्हारी शिक्षा से ये जीवन तो कृत्या ने समाप्त कर दिया, अब हम जान चुके हैं कि दूसरे को मारेंगे तो खुद ही मारे जाएंगे, अब ये जीवन प्रहलाद का है, जैसा प्रहलाद कहेंगे हम वैसा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद से कहा, प्रहलाद अब हम क्या करें तुम बताओ। प्रहलाद ने कहा, हे गुरु जिस परमात्मा की ओर को मैं जाता हूं, जिस परमात्मा को मैं मानता हूं, उसी परमेश्वर को तुम मानो, उसी का भजन करो, संसार में वो ही सर्वोपरि है, कल्याण के मार्ग पर जाओ, प्रभु के मार्ग पर जाओ, और वहीं से संड अमरक भगवान का भजन करने के लिए जंगल के लिए चले गए। शुक्राचार्य अकेला रह गए। शुक्राचार्य उसे लेकर के प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के यहाँ आए, कहा कहे दैतेन्द्र, ये प्रहलाद रहा। हिरण्यकश्यप ने देखा, गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं, ये प्रहलाद, हाँ मैंने कहा था इसको मार दो तो मार नहीं सके। शुक्राचार्य ने कहा, दैतेन्द्र प्रहलाद के आगे मैं हार गया। तब तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और कहा, इसे जल्दी मारो, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता, तो ले जाओ पहाड़ की चोटी से फेंक दो। बांध करके ले गए, पहाड़ की ऊंचाई पर गए। सैनिकों ने कहा, हे प्रहलाद तू बड़ा सुंदर है, तुझे मारने का मन नहीं करता, परंतु क्या करें, महाराज की आज्ञा है, अगर तू विष्णु का नाम लेना छोड़ दे तो तू बच जाएगा। प्रहलाद ने कहा कि अगर मैं आपसे कहूं कि तुम मेरे भगवान का गुणगान करना आरंभ कर दो तो? उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रहलाद ने कहा कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता, जब तुम अपने धर्म पे अटल हैं तो मैं भी अपने धर्म पे अटल हूं, तुम्हारा तो गलत रास्ता है उस पर तुम अटल हैं, तो मेरा तो रास्ता सही है, मुझे तो अटल रहना चाहिए। सैनिकों ने प्रहलाद को पहाड़ की ऊंचाई से फेंक दिया और प्रहलाद भगवान का गुणगान करते करते, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे।
कर ले लिया, बचा लिया। सैनिक देख करके चले गए, कहीं इतनी ऊंचाई पर से कुछ नहीं बचने वाला। एक किसान गाड़ी में अनाज लेकर के और हिरण्यकश्यप को कर देने के लिए जा रहा था, उसी गाड़ी में प्रह्लाद को रख करके भगवान चले जाते। जैसे ही वहां महल में आता है, देखा प्रह्लाद तो जी जिंदा है। प्रह्लाद को जेल में बंद कर दिया, उसे विष दे करके मारना चाहा। भगवान ने, भगवान भोलेनाथ ने आकर के उसका विष बचाया, विष से बचाया, जंगल में उसे छोड़ दिया। इसे कोई अनाज नहीं देगा, जलपान नहीं देगा, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। प्रह्लाद को समुद्र में फेंक दिया, फिर भी वहां से बच गया। होलिका आती है और कहा, हे भ्राता श्री, आप इतने परेशान क्यों हैं? हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या बताऊं, ये मेरा पुत्र है, वो मेरे शत्रु के पक्ष का, मेरे शत्रु के पक्ष में जाता है, उसी का गुणगान करता। होलिका ने कहा, कोई बात नहीं, इसे मैं समझा दूंगी, अभी बालक है। होलिका ने जाकर के कहा, पुत्र प्रह्लाद। प्रह्लाद ने कहा, प्रणाम किया अपने बुआ को, पैर छुए और कहा, हे पुत्र प्रह्लाद, तुझे पता है कि मेरा भ्राता श्री हृणाच किसने मारा? प्रह्लाद ने कहा, मुझे तो पता नहीं किसने मारा, कि वो विष्णु ने मारा। प्रह्लाद ने कहा, क्यों? होलिका ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं थी, एक छोटी सी मामूली सी बात थी। वो क्या? बस उसने पृथ्वी का हरण किया। प्रह्लाद ने कहा, बुआ ये छोटी बात नहीं है, एक स्त्री का अपहरण करना तो बहुत बड़ा पाप है, तब तो विष्णु ने सही किया, ऐसे एक व्यक्ति को तो मारना ठीक है। होलिका को बुरा लगा और कहा, ये ऐसे नहीं माने। होलिका ने एक पत्र लिखा और कहा, हे पुत्र, तुम हमारे राज्य में चले जाओ, अपने भ्राता श्री से भी मिल आना और वहां घूम आना। पत्र लिख दिया अपने पुत्र प्रह्लाद को कि, हे पुत्र, ये प्रह्लाद है, आएगा, इसे तू सर्प कुंड में भेज देना, ताकि ये सर्प इसे डस जाएंगे और मर जाएगा। प्रह्लाद पत्र को लेकर के कामरू देश चला गया। वहां प्रह्लाद को, प्रह्लाद का बड़ा भाई था प्रह्लाद, वो होलिका को ने गोद ले लिया। दोनों भाई मिले, पत्र दिया, उसमें लिखा था, ये प्रह्लाद, ये प्रह्लाद विष्णु का भक्त है, ये हमारा शत्रु है, इसे सर्प कुंड में भेज करके और मरवा देना। प्रह्लाद ने कहा, प्रह्लाद, अनुज, तुम विष्णु के भक्त हो? हाँ, मैं विष्णु का भक्त हूं। अच्छा, तो यहाँ आप, यहाँ हमारे पास में एक मंदिर है उनका, तो आप उसमें पूजा करने के लिए जाएं। प्रह्लाद ने कहा कि आपके राज्य में मंदिर? हाँ, असुरों में तो मंदिर होते ही नहीं है। प्रह्लाद ने कहा, एक मंदिर बचा लिया है। प्रह्लाद को सर्प कुंड में भेज दिया, जाओ इसके अंदर में मंदिर है, बाहर से किवाड़ बंद कर दिए, अंदर बहुत बड़े बड़े अजगर जहरीले सांप उसमें कुंड में।
प्रहलाद ने जाकर के देखा, यहाँ अवश्य ही भगवान नारायण होंगे, उनकी मूर्ति होगी। उन्होंने ध्यान किया, भगवान का गुणगान किया। सर्व कुंड के सबरे सर्प थे, वो निकल करके नगर में भर गए, सबको सताने लगे, सब भागने लगे। भगवान ने अपनी मूर्ति वहां प्रकट की, प्रहलाद ने पूजा की और कहने लगे, हे प्रभु, संसार में मुझे तो कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मेरा तो काम सिर्फ आपसे ही है और कुछ नहीं। कहने लगे, मुझे तो काम ईश्वर ते जगत रूठे तो रूठने दे, मुझे तो मुझे तो केवल ईश्वर से काम है। सर्प कुंड से सर्प निकल करके सब नगर में प्रवेश किए कर गए और एक बड़ा सर्प था, उसने जाकर के ऐलान को डस लिया। पहला जैसे गया नगर से, आदमी नारी पुरुष भाग रहे थे, मंत्री भागते हुए मिला। प्रहलाद ने कहा, क्या हुआ? सर्प 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 नगर में सर्प। सब कहने लगे, हे पुत्र, नगर में न जाने सर्प कुंड के द्वार किसने खोल दिए, पूरे सर्प नगर में प्रवेश कर गए। मंत्री ने कहा कि प्रहलाद को सर्प ने डस लिया। प्रहलाद दौड़ करके गया, प्रहलाद रोने लगा, भ्राता श्री, मैं पहले पहले आया हूं, आपसे मिला, अभी बात नहीं करी और तब तक आप की ये हालत। प्रहलाद मरने को, प्रहलाद ने कहा, हे अनुज, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, मैंने तुझे सर्प कुंड में मरवाने के लिए भेजा, परंतु सर्प ने आकर के मुझे ही डस लिया। जैसा काम करता है वैसा ही फल भुगतता है इंसान। मैंने तुझे मारना चाहा और आज देखो मैं मर रहा। तुझ पर भगवान विष्णु की कृपा है, तुझे तो बचा लिया, पर मेरे कर्मों से मैं ही मर रहा। प्रहलाद ने कहा, नहीं, आप नहीं मरोगे। मंत्री वहां से चला गया, होलिका के पास आता है। होलिका यहाँ बहुत प्रसन्न होती है कि जरूर प्रहलाद की मृत्यु को समाचार लेकर के आया हूं। मंत्री सिर नवा करके खड़ा हो गया। होलिका ने कहा, बोल क्या बात है? मंत्री ने कहा, समाचार अच्छा नहीं है। होलिका ने कहा, अच्छा वो तो सुना। मंत्री ने कहा, सर्प ने प्रहलाद को डस लिया। होलिका ने कहा, दुष्ट, मेरे पुत्र का नाम लेता है, प्रहलाद का नाम ले, प्रहलाद का। मंत्री ने कहा, प्रहलाद नहीं, प्रहलाद। प्रहलाद तो सुरक्षित है, सर्प कुंड में जाकर के भी सुरक्षित है। उसमें से सारे सर्प निकल करके नगर में प्रवेश कर गए और प्रहलाद को डस लिया। तब तो होलिका रोने लगी, प्रहलाद को बुरा भला कहने लगी, प्रहलाद मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे पुत्र को मरवा दिया, तुझे मरना चाहिए था, तूने मेरे पुत्र को मरवा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
उधर प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने भ्राता श्री के पास आया था, और क्या मैं इस अंतिम समय के लिए आया था? मैं उनकी मृत्यु बन करके आया था, ये कलंक तो मुझे ही लगेगा प्रभु। भगवान से प्रार्थना की और प्रहलाद को जिंदा करवा दिया, और प्रहलाद और अहलाद दोनों वहां से आए कि चलो ये समाचार माताजी को मिल गया होगा। तो माताजी बहुत, पिताजी बहुत चिंतित होंगे। दोनों शीघ्रता से रथ में बैठ करके आए। जैसे ही देखा प्रहलाद को, तू जिंदा है? हाँ माँ, मैं जिंदा हूं, लेकिन प्रहलाद की कृपा से, प्रहलाद के ईश्वर ने हमें बचा लिया, मुझे बचा लिया, नहीं तो तुम्हारे कर्तव्य में मेरे कर्तव्य में तो कोई कमी नहीं थी। जो जैसा आदमी होता है वो वैसा ही काम करता है। भला आदमी अपनी भलाई को नहीं छोड़ेगा और बुरा आदमी अपनी बुराई को नहीं छोड़ेगा। कहा गया है, चाय ने बोरी को कंधा में रखे हूं, चाय करो ने तो दूध से चाय, भूखा के खेत में जाय लगावो, शक्कर खोद के खूब डराई। जोने सदाड़ी में केरा ससी चौ तो नहीं आवत नाम मिठाई, ऊंचा की संगति नीचा करे खल नाई त जय अपनी खलताई, ऊंचा की संगति नीच करे खल नाई त जय अपनी खलताई। निबोई को चाहे, चाहे निबोरी को कंध में रखो, फल में इसे लगा दो। चाय करो ने तो दूध से चाय, चाय बाप दूध रोज की दूध डारो। ईका के खेता में जाई लगावो, चाय भाई गन्ना के जर में लगा दो। शक्कर खोदी के खूब डराई, चाय भाई शक्कर की ढेरी में गाड़ दो। और जोने सदाडे मा के रस सींचो तो नहीं आवत नाम मिटाई, चाय भाई रसन की रसन थे भाई बहुत सींचो, पर बा में नाम की हो मिठाई ना आए सकत निबोई में। ऐसे नहीं, नीच आदमी चाहे कैसी हो संगत कर ले, ऊंचा की संगति नीच कर खल नाई त जय अपनी खलताई, अपनी को नहीं छोड़ सकता। स्वभाव से बेचारे बंधे हुए हैं, वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, अपने स्वभाव से छोड़ नहीं सकते, जहां कुछ भी हो जाए। कलव करे भल पाए सुसंगू, मेटे न मले न स्वभाव अब। दुष्ट आदमी अच्छी संगत पाकर के अच्छा काम कर सकता है, बोले उसका स्वभाव नहीं मिटता, कुछ समय के बाद में फिर वो बहकी बही आ जाओ, अपने ही काम करेगा। प्रहलाद ने कहा, माताजी मैं प्रहलाद की कृपा से जिंदा हूं, इसने मुझे जिंदा करवाया। परंतु होलिका ने कहा, प्रहलाद मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ू, उसके पुत्र को भी बचा दिया, अच्छा काम किया, भला किया, वो बुरा कर रहे हैं, बुरे के परिणाम में वो भला कर रहे हैं, तब भी वो बुरा करने की सोचते हैं, इनके यहां ऐसा नहीं होता। एहसान मानने वाला दुनिया में हर व्यक्ति नहीं होता, जिसके साथ में एहसान करेंगे ना वही तुम्हें काटने की कोशिश करेगा। जो सज्जन आदमी होगा, बाकी अंदर संस्कार होंगे, अच्छे खानदान का होगा, वो एहसान को माने, भैया इसने एक एहसान किया,
सदा उसका गुणगान करेगा। दुनिया में एहसान चाहो मती किसी का, पैसा लग जाए, मजदूरी दे दो, एहसान एक पैसे का बहुत बड़ा होता है। भोलिका ने कहा, पुत्र तुम्हें पता है कि मुझे अग्निदेव का वरदान है, मुझे अग्नि जलाती नहीं, क्या देखोगे? प्रहलाद ने कहा, हाँ देखूंगा। अग्नि का ढेर लगवाया, उस पर होलिका बैठ गई, प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। कयाधु रोने लगी, हे पुत्र तू इनकी बातों में क्यों आता है? बार बार मारने का प्रयास किया, तुम्हें इनकी नियति का पता नहीं है। प्रहलाद ने कहा, मां भगवान पर भरोसा रख, इनकी नीति खराब है, अपनी नियति तो सही है। अगर अपनी नियति सही है तो भगवान अपना रक्षक है, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। आग लगवा दी, भगवान का ध्यान किया, हरे राम 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 हरे हरे, होलिका जलने लगी, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। पहले तो होलिका हंसने लगी, जैसे ही अग्नि ने स्पर्श किया तब एकदम ये क्या होने लगा, अग्नि एकदम प्रवेश कर गई उसमें। होलिका चिल्लाने लगी, ये अग्नि मुझे जला रही है, ये कैसे हो गया, ये अग्नि मुझे जला रही है, ये अग्नि मुझे जला रही है, मेरा वरदान झूठा हुआ, ये कैसा वरदान है? ब्रह्मा जी ने कहा, हमने तेरी सुरक्षा के लिए वरदान दिया था, तुम्हें शस्त्र नहीं दिया कि तुम भगवान के भक्तों को मारो, अगर भगवान के भक्तों को आप मारोगे तो तुम स्वयं मारे जाओगे। जो अपराध भगत कर करही, ओ राम रोष पावक में जरही,
जैसी होलिका जली देखा सबने, भेड़ा कश्यप क्रोध में आया, अग्नि को बुझाया और कहा, हे दुष्ट, तूने मेरी बहन को मरवा दिया, अब मैं तुझे न तेरे विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। भेड़ा कश्यप उसे ले गया कि अब तक तो मैं दूसरों पर भरोसा करता रहा, अब मैं तुझे स्वयं मारूंगा। महल में ले गया और उसे खम्भे से बांध दिया और कहा, हे दुष्ट, अब बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरा भगवान तो सर्वत्र है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा। प्रहलाद कहने लगे, मुझे मार, मत मार। जय श्री राम। हम ना हम प्यारो मोहे राम ना हम प्यारो पिताजी मोगे मत मारो। Thank you.
I'm not